ग्वालियर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर खुद को लेडी डॉन बताने वाली युवती को पुलिस ने उसके दो साथियों एक पिस्टल व दो कट्टों के साथ गिरफ्तार कर लिया। युवती ने वीडियो की पड़ताल के दौरान पुलिस को कहा कि वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, शेरनी अभी जिंदा है। इसके बाद पुलिस टीम ने युवती का पीछा कर उसे व उसके साथियों को गिरफ्तार किया। दरअसल लगभग 10 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक युवती हथियार का प्रदर्शन करते हुए खुद को लेडी डॉन बता रही थी। पुलिस की साइबर सेल इस वीडियो की पड़ताल करते हुए युवती को ढूंढा। युवती को 2 दिन पूर्व एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया के दफ्तर में बयान के लिए बुलाया। बयान देने के बाद युवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा, शेरनी अभी जिंदा है। युवती के इस पोस्ट के बाद क्राइम ब्रांच की महिला आरक्षक अर्चना कंशाना ने युवती के ठिकानों पर निगरानी शुरू की। निगरानी करते हुए पुलिस टीम ने युवती को उसके दो साथियों के साथ पिस्टल व कट्टों के साथ कोटेश्वर मंदिर व काली माता मंदिर के पास गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई युवती सुमरप्रीत कौर गिल है। साथ ही उसका साथी हरिंद्र यादव और सौरभ राठौर को हथियारों समेत पूछताछ करते हुए आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की थी जो कि पिस्टल के साथ थी, वो अवैध आर्म्स के साथ उसमें दिखाई दे रहा था, उसको वेरीफाइड किया गया तो और लड़की से जब पूछताछ की गई तो उसके बारे में बताया गया कि ये जो पिस्टल थी उसके एक मित्र ने दी थी और मित्र अभी वर्तमान में एक अपराध में जेल में है। तो इस आधार पर उसकी बात को वेरीफाइड करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम नज़र रखने के लिए उसको तैनात किया गया क्राइम ब्रांच की टीम को। उसके बाद फिर ये सूचना मिली थी कलागेट पर कुछ लोग 3 लोग हैं जो कि हथियारों की डिलीवरी कर के चक्कर में हैं वहाँ पर। तो इस आधार पर कलागेट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त बनाई जाकर और उस स्पॉट को वेरीफाई कराया गया जो कि काली माता का मंदिर के पास था। और उस पर जब घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, उसमें वही लगी थी जिसके पास से एक पिस्टल मिली है और 32 बोर की पिस्टल मिली है। एक युवक के पास से 12 बोर का एक देसी कट्टा मिला है और तीसरे अन्य एक जिंदा राउंड मिला है और तीसरे एक अन्य युवक से भी एक 315 बोर का कट्टा मिला है, एक जिंदा राउंड मिला है। कुल मिलाकर 3 वेपन्स मिले हैं और 2 राउंड मिले हैं और मोबाइल मिले हैं। तो इनको इनके आधार पर थाना किला गेट पर आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अभी फिलहाल उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उनमें से जो 2 पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। हमारे स्पॉन्सर हैं गहना ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर डायमंड से बनी ज्वेलरी लेने के इच्छुक हैं? शादी के लिए लेना हो तो गहना ज्वेलर से ही लेना। गहना शोरूम आए और गहना ले जाएं। शुद्धता की फुल गारंटी। सराफा बाजार, ग्वालियर। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।